थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन है एक आप तीनों के लिए. आपने सिम्बा का जिक्र किया, उसमें एक कहानी जो थी एक विक्टिम की कहानी थी, और हमारे देश में भी एक विक्टिम निर्भया की बात कर रही हूँ मैं. तो आपको लगता है कि उनके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए? आप सभी का एक रिएक्शन इस पर चाहिए. इस किस्म के गुनाह को तो 100% फांसी मिलनी चाहिए, मतलब कोई डाउट ही नहीं उसमें. तो अक्षय सर, आपका भी सर, और रणवीर. बिल्कुल, हम सब एक ही हैं, यही बात पे हम पूरे पूरी तरह सहमत हैं. We have last two questions, ladies. अजय सर, here. अक्षय सर, अजय सर, सबसे मेरा सवाल है ये, रणवीर आपसे भी. जैसे कि शुरू में ही कहा गया कि ऐसे ट्रिपल धमाके बहुत रेयरली हमारे इंडस्ट्री में अभी देखने मिलते हैं. एक टाइम था जब अमर अकबर एंथनी और इस तरह की तमाम फिल्में बनती थी. अभी टू हीरो थ्री हीरो फिल्म बहुत कम हो रही हैं, बनती हैं. ऐसा रीजंस क्या हैं आपके हिसाब से? मेरा हो गया, मेरे को क्या पूछ रहे हो? मैं तो लेके आ गया सब. तुम लोग बोलो. मुझसे पूछा, किनसे पूछा, नाम तो बता दो. तीनों लोगों से. तीनों लोगों से. जवाब तो एक ही होगा ना. मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि ये मल्टी स्टार क्यों नहीं बनती? देखिए, हमने तो बहुत सारी की हैं. इसका जवाब तो ये देगा, ये आदमी नया है. सर मैं भी कर रहा हूँ. सर तू करता क्यों नहीं? सर मैं 13-14 से कर रहा हूँ. मैं तो गुंडे की, फिर ऑन साउंड कास्ट की, दिल धड़कने दो, मैं 83 कर रहा हूँ, सूर्यवंशी कर रहा हूँ, मैं तो तख्त भी कर रहा हूँ विक्की के साथ. मैं तो इसमें नहीं हूँ. फिर क्यों नहीं बन रही? मतलब बन तो रही है. आप दोनों देखिए ना, कितने सालों बाद साथ में आए हैं. हाँ जी, आप दोनों ही कितने सालों बाद साथ में आए हैं जी. देखिए, पहले एक जमाना था जब राजकुमार कोहली साहब बड़ी बड़ी मल्टी स्टार फिल्में बनाते थे. अब उनको भी पूछना चाहिए, वो भी बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. जैसे लास्ट फिल्म उनकी थी जानी दुश्मन. मजा आ गया सर. कल्ट फिल्म है वो.